अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यासिर गफूर है। आज हम मौजूद हैं प्रेजेंट 8 के अंदर। आपको एक खूबसूरत सेमी कॉर्नर विला दिखाएंगे जिसका टोटल साइज 350 स्क्वायर यार्ड्स है और ये इसके साथ आपको एक खूबसूरत गार्डन मिलने वाला है। व्यूअर्स, इस घर की वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलें। व्यूअर्स, इस घर की डिटेल के बारे में बात करें तो सेमी कॉर्नर की विला है जिसका टोटल साइज 350 स्क्वायर यार्ड्स है और प्रेजेंट 8 इसकी लोकेशन है। आपको इसका गार्डन मैं दिखाता हूँ जो कि बहुत खूबसूरती के साथ मैनेज किया गया। टोटल 5 बेडरूम्स इस घर के अंदर है और बहुत वेल मैनेज घर है। बहुत खूबसूरत इंटीरियर डिजाइनिंग इसकी की गई है। इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। हम घर के अंदर चलेंगे और आपको तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाएंगे। अभी आप इसका सेमी कॉर्नर गार्डन देख सकते हैं। ये आपकी स्पेस है व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत प्लांटेशन की गई है। जैसे कि आप वॉल बाय साइड बाय साइड देख सकते हैं बहुत खूबसूरत प्लांटेशन है और एक खुली डुली स्पेस यहाँ पर आपको गार्डन की मिल रही है। एयर फ्लो आपको अच्छा मिलेगा इस घर के अंदर क्योंकि टू साइडेड ओपन है, पीछे से भी आपको स्पेस मिलेगी और ये इसकी एक एंट्रेंस है, यहाँ से भी आप अपनी सिटिंग कर सकते हैं। घर के अंदर चलते हैं और आपको तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाते हैं। व्यूअर्स, इस विला का आपने फ्रंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन देखा जो कि टोटल वाइट के अंदर डिज़ाइन किया गया। इसका फ्रंट फसाड आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसका एलिवेशन चूज़ किया गया। ये इसकी फ्रंट रैंप लुक है। अब हम चलते हैं इसके गैरेज के अंदर और आपको गैरेज के साइज़ के साथ साथ अंदर जाकर आपको तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाएंगे। व्यूअर्स, ये इसका गैरेज साइज़ है जो कि एक नॉर्मल 272 स्क्वायर यार्ड्स के विला से बहुत बड़ा साइज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। दो बड़ी गाड़ियाँ, दो SUV कार्स आप इजीली पार्क कर सकते हैं और ये आप इसका साइज़ टोटल मैनेज इमेजिन कर सकते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, आपको यहाँ से एंट्रेंस मिलेगी। इसकी इंटीरियर गार्डन भी आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आपको ग्रास वर्क करके दिया गया और इसके साथ यहाँ पर आप मार्बल वर्क देख सकते हैं जो कि इस घर की फ्रंट की जान है। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ये आपको फ्रंट मार्बल वर्क भी मिल रहा है। ये इसका टोटल साइज़ था गैरेज का। साइड पैसेज है जो कि बहुत वाइड आपको पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ लीड करेगा। ये इसका फ्रंट बैक साइड की तरफ जो आपको पैसेज लेकर जा रहा है वो इसकी स्पेस है। साइड लुक भी आप इस घर की देख सकते हैं। हम चलेंगे इसकी मेन एंट्रेंस से, आपको तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाएंगे। व्यूअर्स, ये इसका एक स्टेप अप है जो कि आपको मेन एंट्रेंस की तरफ लेकर जाता है। वुड क्वालिटी A+ और सारे डोर हैंडल्स जो यूज़ किए गए वो भी आपको अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं। व्यूअर्स, ये इसकी लॉबी लुक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट एंट्रेंस मिल रही है। राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम स्पेस मिलेगी और लेफ्ट साइड पर बहुत खूबसूरत स्टेयर केस है जिसके नीचे आपको पाउडर रूम डिज़ाइन करके दिया गया। ये इसकी स्टेयर केस लुक है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि नीचे वॉक चेक करें कितनी खूबसूरत वॉक है जो कि आपको पाउडर रूम की तरफ लेकर जाएगी। व्यूअर्स, ये इसका पाउडर रूम है जिसके अंदर आपको कमोड इंस्टॉल करके दिया गया। वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल होने वाली है। डबल एंट्रेंस है इसकी जो कि आपको वहाँ से ड्राइंग रूम की तरफ भी एंट्रेंस देगा, डाइनिंग रूम की तरफ, सॉरी डाइनिंग रूम को भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इसके ड्राइंग स्पेस के अंदर। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं इसके ड्राइंग स्पेस के अंदर। व्यूअर्स, क्या ही खूबसूरत ड्राइंग स्पेस है। ऊपर आप देखें सीलिंग वर्क के ऊपर क्या खूबसूरत एक राउंड शेप के अंदर शेडलियर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। उसके साथ साथ सीलिंग वर्क कितनी इम्पैकेबल यहाँ पर चूज़ की गई है। इम्पैकेबल डिज़ाइन है व्यूअर्स। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत खूबसूरत की गई है। इस वॉल पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वुड पैनलिंग की गई है, यहाँ पर भी वुड पैनलिंग है। आप यहाँ पर LED इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत खूबसूरत लुक के साथ और यहाँ पर आपको टू साइडेड विंडोज़ हैं जो कि आपको सेमी कॉर्नर का व्यू देंगी। मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ। यहाँ से व्यूअर्स आपको आपके सेमी कॉर्नर की व्यू भी मिलेगा। बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको सेमी कॉर्नर का। आप चलते हैं आगे TV लाउंज की तरफ। ये आप देख सकते हैं स्टेयर केस व्यूअर्स बहुत खूबसूरत किया गया क्योंकि उसके साथ आपको वुड पैनलिंग यहाँ पर भी मिल रही है टोटल वॉल के ऊपर। ये व्यूअर्स, इसके फ्रंट पर TV लाउंज है जो कि बहुत स्पेशियस के साथ साथ एक अच्छे डिज़ाइन के अंदर आपको व्यू दे रहा है। ये इसकी मीडिया वॉल सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं। मीडिया वॉल के ऊपर भी वुड पैनलिंग है, साथ में आपको एक छोटा सा TV कंसोल नीचे मिल रहा है। बस ये इसका साइज़ है TV लाउंज का। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बॉल्स डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर इसका शैंडेलियर इंस्टॉल किया गया। डबल फैंस है और ये इसका टोटल साइज़ है TV लाउंज का। यहाँ से एक विंडो है जो कि आपको सेमी कॉर्नर की तरफ एंट्रेंस देगी। यहाँ पर आप चेयर्स रख के सिटिंग करके बहुत खूबसूरत व्यूज़ इन्जॉय कर सकते हैं, अपने गार्डन का मज़ा ले सकते हैं।
वापस आ चुके हैं हम टीवी लाउंज के अंदर, और टीवी लाउंज के साथ आपको एक स्पेस डिज़ाइन करके दी गई जिसको आप डाइनिंग रूम स्पेस ये देख सकते हैं व्यूअर्स। काफ़ी खूबसूरत मॉडलिंग वर्क है, और इसके साथ जो लाइट्स इंस्टॉल की गई लाइटिंग वर्क भी बहुत खूबसूरत है। ये इसका टोटल साइज़ है डाइनिंग रूम का। इसके अंदर आप देख सकते हैं मोल्डिंग वर्क बहुत अच्छा किया गया, ऊपर से सीलिंग वर्क है। घर की क्वालिटी ए प्लस है, वुड की क्वालिटी ए प्लस है, तमाम चीज़ें अच्छी यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। ये वो एंट्रेंस है जो कि मैं आपको पाउडर रूम से दिखा रहा था, यहाँ से आप अपने गेस्ट को डायरेक्ट पाउडर रूम के अंदर एंटर कर सकते हैं। फिर आपको मैंने दिखा दिया ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज और इसका डाइनिंग स्पेस। आप चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ, उससे पहले बल्कि मैं आपको किचन दिखाता हूँ। इसका बहुत स्पेशियस ओपन किचन यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, ये इसकी स्पेस है किचन की, यहाँ से आपको एंट्रेंस मिलेगी। लाइट किचन थीम रखी गई यहाँ पर, आपके अप्लाइंसिस के लिए यहाँ पर जगह छोड़ी गई है। ग्लैम गैस का स्टोव और एग्जॉस्ट हुड यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया, ये इसका स्टोव है ग्लैम गैस का, और ऊपर इसके एग्जॉस्ट हुड भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया। ड्रॉर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है व्यूअर्स, यहाँ से आपको जो कैबिनेट्स मिल रही हैं बहुत स्मूथ वर्क कर रही हैं, ऑपरेशनल इजी टू यूज़ हैं सारी। और इसके साथ आपको एक सर्विस किचन यहाँ पर डिज़ाइन करके दिया गया पीछे साइड पर, इसके अंदर भी आपको एक डिश वॉशिंग एरिया इंस्टॉल करके दिया गया, ग्लैम गैस का है ये भी। कैबिनेट स्पेस व्यूअर्स नो डाउट आपको बहुत अच्छी मिल रही है, नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कैबिनेट स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रही है। सेपरेट एंट्रेंस है अगर आप अपने सर्वेंट को आउट ऑफ द हाउस ही एंट्रेंस करना चाहते हैं, तो ये इसकी एंट्रेंस है जो कि आपको कॉरिडोर से व्यू देगी। आपको ये भी दिखाता चलूं, यहाँ पर ही आपके सर्वेंट के लिए वॉशरूम है, और सर्वेंट रूम भी यहाँ पर ही डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर आए हैं तो आपको मैं बैक साइड भी दिखा दूँ, वॉशिंग एरिया व्यूअर्स ये इसका डिज़ाइन किया गया। इसकी स्टेयर जो है जो रूफ टॉप की तरफ जाएंगी वो आपको फर्स्ट फ्लोर से ही मिलेंगी। घर के अंदर वापस चलते हैं व्यूअर्स किचन की वाली साइड से। यूज किचन आपने देखा स्पेशियस के साथ साथ एक खूबसूरत लुक आपको दे रहा है। किचन के अंदर भी आप देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत ऊपर हैंगिंग लैम्प, हैंगिंग लाइट्स हैं। और अब इसके मास्टर बेडरूम्स के अंदर चलते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं। इनका साइज़ व्यूअर्स आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 500 गज के घर के जितने यहाँ पर आपको बेडरूम मिल रहे हैं। यह आप इसका फर्स्ट बेडरूम देख सकते हैं जिसका साइज़ नो डाउट 500 स्क्वायर यार्ड जितना है यहाँ पर। व्यूअर्स आप साइज़ इमेजिन कर सकते हैं, बहुत बड़े साइज़ यहाँ पर आपको बेडरूम मिल रहे हैं। और जो हाइट यहाँ पर रखी गई है डोर्स की वो भी आप देख सकते हैं, एक हाइटेड यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 8 फीट हाइटेड ये आपको डोर्स मिल रहे हैं, अच्छी हाइट है। और अब हम आ चुके इसके वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम की बात करें व्यूअर्स, अच्छी सैनिटरी यहाँ पर यूज़ की गई है। सबसे पहले आप वॉल हैंग कमोड देख सकते हैं, और साथ वैनिटी सेटअप है। शॉवर कैबिन यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर आपको कंसील्ड रेन शॉवर इंस्टॉल करके दिया गया, ग्रोही का आपको कंसील्ड रेन शॉवर यहाँ पर इंस्टॉल करके दिया गया, शॉवर कैबिन बनाकर दिया गया। और इसके वॉशरूम के अंदर ही आपको कैबिनेट्स मिल रही हैं जो कि आपको ग्लास के मदद से यहाँ पर इंस्टॉल करके दी गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ग्लास कैबिनेट्स हैं। अब चलते हैं हम इसके बेडरूम नंबर 2 के अंदर। साइज़ आपने देखा व्यूअर्स अच्छा साइज़ था, और हम चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर जो कि इसके बिल्कुल साथ है। इसका व्यूअर्स सेकेंड बेडरूम है, इसका साइज़ भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, और इसके साथ एडवांटेज आपको ये होगा कि डायरेक्ट आप इसके एंट्रेंस कर सकते हैं सेमी कॉर्नर गार्डन की तरफ, या आप अपने गार्डन की तरफ डायरेक्ट एंट्रेंस कर सकते हैं इस विंडो को खोलकर। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ से आप अपने सेमी कॉर्नर की तरफ डायरेक्ट गार्डन की तरफ डायरेक्ट एंट्रेंस कर सकते हैं, और ये इसका टोटल साइज़ है। चलते हैं इसके अटैच बाथ के अंदर। इस एंटर होते साथ फ्रंट पर आपको खूबसूरत वैनिटी सेटअप मिल रहा है जिसके ऊपर एक हैंगिंग लाइट इंस्टॉल करके दी गई है, और ग्लास का साइज़ मिरर का साइज़ आप देख सकते हैं व्यूअर्स, रेक्टेंगल शेप के अंदर बहुत बड़ा ग्लास यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। वैनिटी सेटअप की बात करें व्यूअर्स, नीचे आपको 2 ड्रॉर्स मिलेंगी, और आपको एक वैनिटी सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल करके दिया गया, और वॉल हैंग कमोड भी यहाँ पर मौजूद है। इसके पीछे आप टाइल वर्क देख सकते हैं, शॉवर कैबिन है यहाँ पर, और इसके साथ आपको ग्रोही का कंसील्ड शॉवर मिल रहा है। इसके पीछे भी आप टाइल वर्क देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत लग रहा है टाइल वर्क यहाँ पर, अच्छी थीम वॉशरूम की रखी गई है, और वैसे ही यहाँ पर आपको बॉटल्स मिल रही हैं वॉशरूम के अंदर। ये आपने देखा इसका अटैच बाथ था,
ग्राउंड फ्लोर का व्यूवर्स कंप्लीट होता है टूर, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। व्यूवर्स इसे फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और हम इसके फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस पर मौजूद हैं, जो कि इसकी खूबसूरत स्टेयर केस यहाँ पर डिजाइन की गई है। बात करें इसके स्टेयर केस के बारे में, राइट साइड पर आप देख सकते हैं टोटल वुड पैनलिंग की गई है, एंड तक आप देख सकते हैं रूफ टॉप तक आपको वुड पैनलिंग मिलेगी। आगे चलते हैं, और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं व्यूअर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास और वुड का यहाँ पर आपको रेलिंग डिज़ाइन करके दी गई है। स्टेयर केस टोटल वुडन यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको कवर किया गया ताकि डस्ट ना पड़े। आगे चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत बड़ा विंडो पैनल यहाँ पर इंस्टॉल किया गया टोटल वॉल के ऊपर। यहाँ पर आप इसको कर्टन लगाकर कवर कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं तो टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया वुडन आपको रेलिंग यहाँ पर स्टेयर केस मिल रही है। आ चुके हैं ऊपर, तो व्यूअर्स ऊपर भी आप देखें क्या ही बात है, खूबसूरत रोशन घर बनाने के लिए ऊपर भी आपको लाइट की सोर्स मिल रही है। ये देखें व्यूअर्स, स्काईलाइट का आपको बहुत अच्छा यहाँ पर सोर्स मिल रहा है ऊपर से भी, और आगे से विंडो पैनल भी यहाँ पर बहुत बड़ा इंस्टॉल कर दिया गया। व्यूअर्स घर का अगर मैप डिज़ाइन में आपको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले फ्रंट पर आते साथ आपको एक मास्टर बेडरूम मिलेगा, यहाँ से आपको टेरेस की एंट्रेंस मिलेगी, और आगे घर का बाकी हिस्सा जो कि टीवी लाउंज और बाकी दो बेडरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं, किचन भी इसी साइड पर आपको मिलेगा। हम चलते हैं सबसे पहले मास्टर बेडरूम के अंदर। जी व्यूअर्स, आ चुके हैं इसके मास्टर बेडरूम के अंदर, और क्या ही बात है इस बेडरूम की, बहुत स्पेशियस जाइंट साइज मास्टर बेडरूम है, जिसके साथ आपको एक रोशन लुक मिल रही है, ब्राइट लुक आपको मिल रही है। सबसे पहले बात करें व्यूअर्स, इसके अंदर आपको एक मीडिया वॉल डिज़ाइन करके दी गई है। नीचे आप इसका टीवी कंसोल देख सकते हैं, मीडिया वॉल के अंदर थोड़ा सा काम रहता है। साइज़ आप एक इमेजिन कर सकते हैं व्यूअर्स, बहुत बड़ा है, और ये इसकी एक विंडो है जो कि आपको फ्रंट का लुक देगी, और इसके साथ दो विंडोज़ हैं जो कि आपको गार्डन की तरफ व्यू करवाएंगी। यहाँ से भी आप विंडो को ओपन करके बाहर से एयर फ्लो ले सकते हैं। और ये इसका व्यूअर्स मास्टर बेडरूम है। अभी रुकें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका अटैच बाथ, जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसके अंदर एक जकूजी इंस्टॉल की गई है। इसका अटैच बाथ है व्यूअर्स, अब आप इसका फर्स्ट लुक देख सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन व्यूअर्स देखें, क्या खूबसूरत बेडरूम का वॉशरूम है। आते साथ राइट साइड पर आपको एक मराची का वैनिटी सेटअप मिलेगा, इसके नीचे आप देख सकते हैं ड्रॉर्स हैं, और आपको एक जाइंट साइज की जकूजी भी यहाँ पर इंस्टॉल करके दी गई है। स्पेशियस बेडरूम वॉशरूम है व्यूअर्स, वॉशरूम तो आपको बेडरूम के साइज का वॉशरूम ही मिल रहा है यहाँ पर। वॉल हंग कमोड है, और उसके साथ शॉवर कैबिन है, कंसील्ड ग्रोही का आपको शॉवर मिलेगा, रेन शॉवर। और ये व्यूअर्स देखें, जाइंट साइज आपको वार्डरोब सेटअप भी यहाँ पर मिल रहा है, क्या बात है व्यूअर्स। टोटल वॉल के ऊपर आपको वार्डरोब डिजाइन करके दी गई है, ये आप देख सकते हैं। और जकूजी तो आपने देखी व्यूअर्स, ये इसका साइज है जकूजी का, और यहाँ से आपको निशेस भी मिल रही हैं। सबसे खूबसूरत पार्ट इस वॉश बेडरूम का एक ये भी है, इसका वॉशरूम बहुत खूबसूरत था व्यूअर्स। ये इसका मास्टर बेडरूम है। अब हम जा रहे हैं इसके बाकी घर को एक्सप्लोर करने, आगे चलते हैं। टीवी लाउंज के अंदर हम आ चुके हैं, टीवी लाउंज के अंदर मोल्डिंग वर्क के साथ साथ बहुत खूबसूरत मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। मीडिया वॉल ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि आपको बेडरूम के अंदर टीवी कंसोल मिल रहा था, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सा काम चल रहा है, वुड पैनलिंग इसके पीछे की गई है, और इसका आप सीलिंग वर्क देखें, बहुत खूबसूरत शैंडेलियर है। और ये इसका टोटल साइज़ है टीवी लाउंज का, जहाँ से आपको टू साइडेड विंडोज़ मिल रही हैं। एयर फ्लो व्यूअर्स बहुत अच्छा होगा इस घर के अंदर। टीवी लाउंज के साथ आपको एक सेपरेट किचन मिल रहा है। ग्लैम गैस का आपको स्टोव इंस्टॉल कर दिया गया, और एग्जॉस्ट हुड अभी यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। वैसा ही आपको डिश वॉशिंग एरिया ग्लैम गैस का यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया। इस एरिया को कवर किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। यहाँ से आपको एंट्रेंस मिलेगी इसके रूफ टॉप की, जहाँ से आप अपने रूफ टॉप की तरफ जा सकते हैं। किचन आपने देखा, इस किचन की थीम वैसे ही रखी गई जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर था। टीवी लाउंज आपने देख लिया कैसा खूबसूरत था, और यहाँ से मोल्डिंग वर्क भी आप देख सकते हैं। ये व्यूज इसके दो बेडरूम्स हैं, लास्ट बेडरूम्स। हम चलते हैं इसके बेडरूम नंबर फोर्थ के अंदर। नो डाउट व्यूअर्स, बेडरूम्स के हर साइज बेडरूम बहुत अच्छे रखे गए हैं, बहुत बड़े साइज के बेडरूम्स हैं, और यहाँ से आपको अटैच बाथ मिलता है। आते साथ लेफ्ट साइड पर आपको वार्डरोब सेटअप मिलेगा। और यहाँ से राइट साइड पर आपको वैनिटी सेटअप मिल रहा है। ग्लास साइज़ आप देख सकते हैं, मिरर साइज़, ह्यूज साइज़ मिरर इंस्टॉल कर दिया गया, जो कि इसकी खूबसूरती में और इजाफा करता है। वैनिटी सेटअप है, और नीचे वही ड्रॉर्स आपको इंस्टॉल बना कर दी गई हैं। वॉल है, कमोड है, और शॉवर कैबिन है, ग्रोही का आपको शॉवर इंस्टॉल कर दिया गया। टाइल वर्क इसके पीछे आप देख सकते हैं, डार्क टाइल यहाँ पर
यूज की गई है। ऊपर से आपको स्काईलाइट भी मिलेगी शॉवर कैबिन के अंदर। ये इसका था फोर्थ बेडरूम। अब इसका लास्ट बेडरूम रह गया, वो दिखाने के बाद मैं आपको इसके टेरेस पर लेकर चलता हूँ। ये इसका व्यूअर्स फिफ्थ बेडरूम है, लास्ट बेडरूम। इसका साइज भी व्यूअर्स बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको आपके सेमी कॉर्नर का गार्डन का व्यू मिलेगा। इस बेडरूम की ये खासियत है और इसके साथ अटैच बाथ है। बस क्या ही बात है, अटैच बाथ के अंदर आप देख सकते हैं डी शेप एक मिरर इंस्टॉल कर दिया गया। इसका वैनिटी सेटअप है, वैनिटी सेटअप के अंदर वही सेम ड्रॉर्स हर वैनिटी के अंदर आपको मौजूद है। और ये वॉल हैंग कमोड है, वही सेम सैनिटरीज आपको मिल रही हैं, अच्छी सैनिटरीज अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर यूज़ की गई हैं। कंसील्ड रेन शॉवर है जिसके पीछे आप टाइल वर्क देख सकते हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ब्लू टच दिया गया। व्यूअर्स वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट लीव कीजिए कि आपको ये घर कैसा लगा है। अभी चलते हैं इसके टेरेस के ऊपर। इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। व्यूअर्स इसका टेरेस साइज है जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज टेरेस से बड़ा है। अभी जैसा कि मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो सामने वाले घर का आप टेरेस देख सकते हैं, वो 272 स्क्वायर यार्ड्स का टेरेस है। और ये इसका साइज आप देख सकते हैं जो कि 350 स्क्वायर यार्ड्स का टेरेस है। जी व्यूअर्स, ये इसकी टेरेस स्पेस थी। अगर आप इस विला के हवाले से फर्दर डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सचेंज पेरियड कराची के प्लेटफॉर्म से यासिर गफूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।